तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज का वीडियो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे अलग वीडियो है दोस्तों। आज का वीडियो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब आपको पता होगा या नहीं, लेकिन नहीं भी पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जो बारिश का पानी है उसको अपने को स्टोर करना है, अपने को ज़मीन में उसको वो पानी को स्टोर कर सकते हैं, छत का पानी और पहाड़ों पर छत में पानी जो बारिश का है वो वेस्ट जाता है, तो उसको अपने को स्टोर करके रखना है, ज़मीन में स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि बारिश का पानी ज़मीन में स्टोर किया तो पानी की जो ज़मीन में पानी है उसकी लेवल बढ़ जाएगी, इसके कारण ज़मीन का पानी ख़त्म नहीं होगा दोस्तों। और एक चीज़, जिसके घर में बोरवेल होंगी, ठीक है, जिसके घर में बोरवेल होगी वो अपने बोरवेल के पास 5 फीट डिस्टेंस में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो कैसे करेंगे, और ये बोरवेल के पास करने से क्या होता है कि बोरवेल का पानी सूखता नहीं है दोस्तों, और हम सब के लिए पूरे वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है कि पानी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो इस पानी को बचाना ही है अपने को। और इसका ज़्यादा खर्चा नहीं है दोस्तों, बहुत कम खर्चे में ये अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगा दोस्तों। तो आप ज़रूर 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 कीजिए और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अपने को क्या क्या चीज़ें लगेंगी, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको खर्चा बता देती हूँ, हमने घर में ही बनाया है तो हमको सिर्फ 2000 खर्चा आया है, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या लगता है, पीवीसी पाइप लगता है, प्लास्टिक के जो पीवीसी पाइप होते हैं वो लगते हैं, प्लास्टिक टैंक लगता है, जो पानी का टैंक रहता है आप अपने हिसाब से टैंक छोटा बड़ा मीडियम आप अपने हिसाब से, आपके घर में जगह कितनी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उसके हिसाब से आप टैंक ले सकते हैं, ठीक है। और स्टोन चाहिए, हमने टैंक इसलिए लिए है दोस्तों क्योंकि हमारे पास स्टोन कम थे, ठीक है। टैंक लेने से आपको ये भी चीज़ है, इसके बेनिफिट है कि टैंक का पानी आपको रीयूज़ भी कर सकते हैं, टैंक लिए आपने तो उसका पानी निकाल के आप यूज़ भी कर सकते हो घर में, ठीक है, इसकी वजह से हमने टैंक बिठाई है। देखिए जो मैं बताती हूँ वही प्रोसीजर से फॉलो करना, एकदम इजी है दोस्तों, कोई वर्कर नहीं चाहिए, घर में ही बना सकते हैं आप लोग, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और शेयर कीजिए। बाद में देखेंगे कि बाद में ये है, हमने 3 फीट का गड्ढा खोदा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है हमारे घर का, सिर्फ 3 या 3.5 फीट का है, ये आप देख सकते हो ये गड्ढा, और इसके अंदर हमने स्टोन भरी है। ये स्टोन भरे हैं हमने शायद आधा फीट, ये स्टोन है आधा फीट भरे हैं हमने, और उसके बाद में ये टैंक छोटा है, टैंक वो 250 रुपये का टैंक है या शायद ये, और इसको एक पाइप से छेद किए हैं हमने, ठीक है। छेद इसलिए किए हैं कि जो पानी गिरेगा ऊपर से पाइप से तो ये पानी ज़मीन में जानी चाहिए, टैंक में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसके लिए थोड़ा थोड़ा ज़मीन में जाएगा पानी तो ज़्यादा फ्लो भी नहीं होगा, इसे थोड़ा थोड़ा ज़मीन में पानी जाता रहेगा, इसलिए ये टैंक को पाइप से छेद पड़े हैं, होल किए, ठीक है। तो ये ऐसे आप लोग ये टंकी जो अपन ने गड्ढा किया उसमें बिठा दीजिए, ठीक है। उसके बाद में पूरा बाजू का गड्ढा आप स्टोन से पूरा भर दीजिए, ठीक है। और स्टोन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, स्टोन कितने बड़े होने चाहिए आपके स्टोन, तो एक पाव या आधा केजी, ठीक है, आधा केजी या एक पाव के स्टोन होने चाहिए, ज़्यादा छोटे स्टोन नहीं होने चाहिए दोस्तों, बड़े रहे तो चलता, मीडियम साइज़ के स्टोन होने चाहिए, ठीक है। और इसको पूरा भर देना। हमने ये पाइप लगाया, आप देख सकते ये पाइप जो है हमने लगाया है, जब टंकी हम रीयूज़ नहीं कर रहे, रीयूज़ भी कर सकते ये ढक्कन खोल के टैंक का पानी, लेकिन हम रीयूज़ नहीं किए तो ये जो पूरा ज़मीन में जाने के बाद पानी जो बच जाएगा वो इधर उधर से नहीं निकलेगा, डायरेक्ट इस पाइप से निकलेगा, और इसका यूज़ भी कर सकते हैं हम, ठीक है, इसलिए ये पाइप लगाया है। बाद में ये जो पाइप देख रहे हैं, ये मैं बताती हूँ आपको, ये जो पाइप है जो ऊपर का छत का पानी है उसको अटैच किया है पाइप, और ये पाइप यहाँ पर छोड़ा है, मतलब यहाँ से छत का पानी ये टैंक में जाएगा, यहाँ पे हमने छेद किया है
और उसमें पाइप डाला है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप भी वैसे कीजिए सेम। बाद में हमने किया, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा थोड़ा इधर ऊपर छत दूर है, तो हमने और इससे भी और है, ये पाइप ऐसे टैंक में डाला है, देख सकते हैं आप। और उसको जो बेंड है, बेंड भी चाहिए होगा आपके लिए, क्योंकि आप जैसे जैसे पाइप को घुमाएंगे वैसे वैसे आपको बेंड लगते जाएंगे, लगाना पड़ता पाइप अटैच करने के लिए, ठीक है। ये जो पाइप का पानी है दोस्तों, ये हमारा टैंक में जा रहा है, देख सकते हैं आप, हमारा टैंक में जा रहा है। आपको वीडियो भी मिलेगी इसकी कि कैसे जा रहा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे बना, इसका इससे इसका कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 2000 खर्चा आएगा दोस्तों, ज़्यादा खर्चा बिल्कुल भी नहीं आएगा। और छोटा सा आपको बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हो दोस्तों। आपको पानी अच्छे से यूज़ करना है, रीयूज़ करना है पानी, तो आप ये टैंक से पानी भी यूज़ कर सकते हो। और आपको नहीं यूज़ करना है तो ओवरफ्लो होने के बाद होता तो नहीं है, लेकिन फिर बाहर जाने का भी रास्ता है इसको बनाएं दोस्तों। वाटर हार्वेस्टिंग से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि पानी, ज़मीन के पानी के लेवल बहुत कम हुई है। और हर एक नागरिक को, वर्ल्ड के, मैं देश के नहीं बता रही, वर्ल्ड के हर एक नागरिक को पानी बचाना चाहिए दोस्तों। तो ये छोटी सी कोशिश आप ज़रूर कीजिए अपने घर में, और वाटर बचाइए। आपको इसके बाद वीडियो मिलेगा कि कैसे वाटर हमारे छत से आया है और टैंक में गया है, ठीक है। सोडा लग गया था, मतलब फसली बड़ी सोडा बन गई है। Thank you.